जय हिंद दोस्तों, मैं विकास, यूजीसी नेट सेकंड हिस्ट्री पेपर फैकल्टी। आप सभी का स्वागत करता हूँ फ्लोफोम पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो एक बार जुड़ जाइए, उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। जिस भी बच्चे ने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, इसको ज्वाइन कर लो। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो ताकि यूजीसी नेट के रिगार्डिंग अगर कोई न्यू अपडेट आती है तो आपको मिलती रहे। इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करो, यहाँ पर शॉर्ट्स वीडियो डलती है जो आपके लिए पॉइंट टू पॉइंट नॉलेज रिफ्लेक्ट करती है। फिलोफॉर्म पर क्लासेज स्टार्ट हो चुकी है दिसंबर बैच के रिगार्डिंग, और इसमें अगर आप पेपर फर्स्ट परचेज करते हैं थ्यूरी बैच तो आपको 1999 पे करना रहता है। अगर आप ओनली पेपर सेकंड परचेज करते हैं तो उसके लिए भी आपको 1999 पे करना रहता है। अगर आप कॉम्बो लेते हो तो आपको 2999 पे करना रहता है। आप कूपन कोड यूज कर सकते हो VIK10, इसके ऊपर आपको 10% ऑफ मिलता है फ्लोफॉर्म के हर बैच पर। इसमें आपको नोट्स मिलते हैं, क्लासेस आपकी रहती है, ऑनलाइन क्लास आपकी रहती है, MCQ प्रैक्टिस आपके रहेंगे और डाउट सेशन आपका रहेगा। तो एक बार जुड़ जाइए, क्लास को हम शुरू करेंगे उसके बाद। और आज होगी हमारी क्लास औपनिवेशिक भारत में शिक्षा का विकास, कि औपनिवेशिक भारत से पहले हमारी शिक्षा कैसी थी, उसके बाद शिक्षा का विकास कैसे हुआ, हंटर समिति क्या थी, क्या हंटर आयोग क्या था, गुडू का डिस्पेच क्या था, अलग अलग चीजों को हम पढ़ेंगे। एक बार जुड़ जाइए। तो जुड़ जाइए एक बार जल्दी से, क्लास को शुरू करेंगे फिर। चलो जुड़ जाइए, कमेंट कीजिए एक बार, जो बच्चे आ चुके हैं कमेंट कीजिए, उसके बाद क्लास को शुरू करेंगे। अब सिर्फ एक ही टॉपिक हमारा बचा है, गांधी मास मूवमेंट। गांधी जी के मूवमेंट होने के बाद हम एक क्लास लेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंस टॉपिक हमारे रहते हैं, अदर जितने भी अदर इंपॉर्टेंस टॉपिक रहते हैं जो यूनिट्स के अंदर डिस्क्राइब नहीं किए गए हैं बट वो एग्जाम्स में आते हैं, तो हम उनको भी चर्चा करेंगे। एक क्लास हमारे उनके ऊपर होगी, एक से दो क्लासेस भी हो सकती है, एक क्लासेस भी हो सकती है। चलो तो शुरू करते हैं, सभी लगभग आ चुके हैं। अंग्रेजों से पहले भारतीय शिक्षा का स्वरूप कैसा था? 1830 के दशक में तत्कालीन भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बिहार बंगाल की स्कूली शिक्षा व्यवस्था के हित को ध्यान हेतु एक ईसाई प्रचारक और शिक्षाविद विलियम एडम को नियुक्त किया था। भाई बंगाल प्लस बिहार के अंदर शिक्षा के ऊपर ध्यान करने के लिए एक ईसाई प्रचारक। इसको एडम विलियम को, गुड मॉर्निंग सुमित्रा, गुड मॉर्निंग, एडम विलियम को नियुक्त किया था। ठीक है, स्कूली शिक्षा के रिगार्डिंग यानी बिहार में और बंगाल में स्कूली शिक्षा के हेतु ध्यान रखने हेतु और इसको अच्छा बनाने के लिए विलियम बेंटिक ने, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किसे नियुक्त किया था? एक ईसाई धर्म प्रचारक थे
विलियम एडम एडम विलियम को नियुक्त किया था ईसाई धर्म प्रचारक, और शिक्षाविद विलियम एडम को नियुक्त किया। विलियम एडम ने 3 रिपोर्टें प्रस्तुत की जिसका निम्नलिखित निष्कर्ष निकले थे। कितने रिपोर्टें पेश की थी? 3 निम्नलिखित रिपोर्टें पेश की थी। उसके निष्कर्ष क्या निकले थे? ब्रिटिश अधीनता से पहले भारत की शिक्षा व्यवस्था लंबे समय से गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित थी। उस समय छोटी छोटी पाठशाला यानी छोटे छोटे स्कूल होते थे, चंपा गुड मॉर्निंग मैन होते थे, जहाँ स्थानीय शिक्षक या गुरु द्वारा बच्चों को संस्कृत व्याकरण प्रायोगिक गणित महाजानी खाता आदि विषयों के बारे में पढ़ाया जाता था। ये ब्रिटिश टाइम की हम बात करें, ब्रिटिश टाइम से पहले की शिक्षा व्यवस्था हमारी कैसी थी? छोटी छोटी पाठशालाएं थी, गुरु शिष्य पर आधारित थी, संस्कृत व्याकरण प्रायोगिक गणित महाजानी आदि शिक्षा विषयों का ज्ञान दिया जाता था। फॉर्म ऑफ इंडियन एजुकेशन बिफोर द ब्रिटिश। इन 1830s लॉर्ड विलियम बेंटिक द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंटेड विलियम एडम ए क्रिश्चियन प्रेसेजर एंड एजुकेशनिस्ट टू स्टडी द स्कूल एजुकेशन सिस्टम ऑफ बिहार एंड बंगाल। विलियम एडम स्मिथ सबमिटेड 3 रिपोर्ट्स हुज कंक्लूजन्स वर एज फ्लोज। बिफोर ब्रिटिश सजेशंस इंडियाज एजुकेशन सिस्टम वॉज लॉन्ग एज बेस्ड ऑन दी गुरु शिष्य ट्रेडिशन। एट द टाइम देर वर स्मॉल स्कूल्स वर चिल्ड्रन वर टोट सब्जेक्ट लाइक संस्कृत ग्रामर प्रैक्टिकल मैथमेटिक्स मनी लैंडिंग सारी चीजें को सिखाई जाती थी। लोकल टीचर्स होते थे, वो गुरु होते थे। पाठ्यशालाएं प्राय किसी शिक्षक के घर, किसी दुकान, मंदिर, किसी वृक्ष के नीचे या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर चलती थी। पाठशालाओं में कुल 10 से 20 विद्यार्थी होते थे, और फसलों की कटाई के मौसम में पाठशालाएं बंद हो रहती थी ताकि बच्चे अपने घर के कामों में मदद कर सके। लेकिन अब क्या हो चुका है? अब उल्टा हो चुका है। बच्चे घर के काम से बचने के लिए कहां पर जाते हैं? इधर उधर। पढ़ाई का एक बहाना लगाया और लाइब्रेरी निकल गए। काम से बचने के लिए, है ना? अध्यापक या गुरु की फीस निर्धारित नहीं होती थी। गरीब बच्चों से कम तथा आर्थिक रूप से सक्षम छात्रों से अधिक फीस ली जाती थी। उसमें अलग अलग कक्षाएं नहीं चलती थी, बल्कि सभी छात्र एक ही जगह एक ही साथ बैठकर विभिन्न स्तर के विद्यार्थियों को शिक्षक अलग अलग पढ़ाते थे। पाठशाला ऑफन रन इन ए टीचर हाउस शॉप टेम्पल अंडर ए ट्री और इन अदर पब्लिक प्लेसेस। देर वर ओनली 10 to 20 स्टूडेंट्स इन द स्कूल एंड द स्कूल्स रिमेंडेड क्लोज ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन सो दैट द चिल्ड्रन कुड हेल्प इन देयर हाउस होल्ड कोर्सेज। द फीस ऑफ टीचर ऑफ गुरु वर नॉट फिक्सड। पुअर चिल्ड्रन वर चार्ज लेस फीस एंड फाइनेंशियली कैपेबल स्टूडेंट वर चार्ज मोर फीस। एट द टाइम सेपरेट क्लासेस वर नॉट हेल्ड, रेदर ऑल द स्टूडेंट्स यूज टू सिट टूगेदर एट वन प्लेस एंड टीचर्स टॉट डिफरेंट स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट लेवल। अब आ जाते हैं हमारे शिक्षा के ऊपर आने वाले अलग अलग विभाग। कुछ विवाद हुए, जैसे आंग्ल प्राच्य विवाद था। आंग्ल प्राच्य विवाद क्या था कि वर्ष 1813 में ब्रिटेन की संसद द्वारा पारित चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा विकास के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का अनुदान का प्रावधान किया गया था। चार्टर अधिनियम 1813 द्वारा निर्दिष्ट शिक्षा अनुदान के विषय पर कंपनी प्रशासन में मतभेद उत्पन्न हो गए थे, और भारत में शिक्षा का स्वरूप तथा माध्यम कैसा हो इसमें मतभेद हो गए और दो पक्ष हो गए। यानी 1813 का जो चार्टर एक्ट हम पढ़ते हैं कि शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया खर्च किया जाएगा, उसमें क्या हो गया था? मतभेद हो गया था, क्योंकि शिक्षा का ना तो माध्यम निर्धारित हो पाया था और ना ही शिक्षा का स्वरूप। आगे चलते हैं। एंग्लो ओरिएंटल डिस्प्यूट्स। इन द चार्टर एक्ट पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1813
ए प्रोविजन ऑफ ग्रांट ऑफ रुपीज 1 लाख पर ईयर वॉज मेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया ऑन द सब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन ग्रांट स्पेसिफाइड बाई द चार्टर एक्ट 1813 ए डिफरेंट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अक्रॉस द इंडियन कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन एज टू द वट शुड बी द फॉर्मेट एंड मीडियम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया देर वर टू साइड्स इन दिस डिसमैनेजमेंट डिसएग्रीमेंट एक पक्ष प्राच्य विधियों यानी ये मानते थे कि भारत में जो शिक्षा है वो प्रारंभिक शिक्षा व ज्ञान को प्रोत्साहन देना चाहिए। जो पहले या भारत में शिक्षा चल रही है पारंपरिक रूप से जो शिक्षा चल रही है पारंपरिक रूप से जो प्राचीन समय से शिक्षा चल रही है उनको बढ़ावा दे। शिक्षा का माध्यम स्थानीय रखे स्थानीय भाषा ठीक है शिक्षा का माध्यम क्या रखे स्थानीय भाषा रखे। जबकि दूसरा पक्ष प्राच्यवादियों का था जो मानते थे कि शिक्षा का व्यवहारिक तथा उपयोगी होना चाहिए और शिक्षा का माध्यम इंग्लिश होना चाहिए। प्राच्यवादियों में विलियम जोन्स जेम्स प्रिंसेप चार्ल्स विल्कम्स एच एच विल्सन आदि शामिल थे। जबकि प्राच्यविदों देखो एक तो प्राच्यवादियों और एक प्राच्यवादी के समर्थन में टीबी मकैले जेम्स मिल चार्ल्स ग्रांट विलियम विल्बर फोर्स आदि शामिल थे। परमदीप गुड मॉर्निंग मैन। वन साइड वाज ऑफ दी ओरिएंटलिस्ट हु बिलीव्ड दैट ट्रेडिशन एजुकेशन एंड नॉलेज शुड बी इंक्रीज्ड इन इंडिया एंड द मीडियम ऑफ एजुकेशन शुड बी लोकल लैंग्वेज व्हाइल द अदर साइड वाज ऑफ दी वेस्टर्निस्ट यानी पाश्चात्य शिक्षा हु बिलीव दैट द एजुकेशन शुड बी प्रैक्टिकल एंड यूजफुल एंड द मीडियम ऑफ एजुकेशन शुड बी इंग्लिश शुड ठीक है। ओरिएंटलिस्ट इंक्लूडेड विलियम जोन्स जेम्स प्रिंसेप चार्ल्स विकिन्स एच एच विल्सन एटसेट्रा वाइल दोज इन सपोर्ट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इंक्लूडेड टीबी मैक्यूले जेम्स मिल चार्ल्स ग्रांट विलियम वेल फोर्स एटसेट्रा। जेम्स मिल ने उपयोगितावादी गुड मॉर्निंग अंजलि बहन जेम्स मिल ने उपयोगितावादी विचारक था तथा उसका मानना था कि प्रिया गुड मॉर्निंग जेम्स मिल एक उपयोगितावादी विचारक था उसका मानना था कि अंग्रेजों को भारतीय जनता को खुश करने या उनकी भावनाओं को ध्यान में रखकर शिक्षा नहीं देनी चाहिए बल्कि शिक्षा का माध्यम से उन्हें उपयोगी तथा व्यवहारिक ज्ञान देना चाहिए जिसमें पश्चिमी विज्ञान तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा शामिल हो। टीबी मकैले प्राच्य शिक्षा का घोर विरोधी था और प्राच्य शिक्षा के बारे में उसका कथन था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक शेल्फ ही भारत और अरब के समुच्चय साहित्य के बराबर है। जेम्स मिल वॉज अल्टरले यूटिलिटेरियन थिंकर एंड ही बिलीव्ड दैट द ब्रिटिश शुड नॉट गिव एजुकेशन टू द इंडियन पीपल टू प्लेस देम ऑफ और कीपिंग देयर सेंटिमेंट्स इन माइंड बट शुड गिव देम यूजफुल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज देयर एजुकेशन विच इंक्लूड वेस्टर्न साइंस टेक्निकल थ्रो किसके थ्रू नॉलेज थ्रो एजुकेशन इन विच इंक्लूड वेस्टर्न साइंस टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन सिस्टम। टीवी मकैले वॉज ए स्टक अपॉइंटेड ऑफ ओपोनेंट ऑफ ओरिएंटल एजुकेशन एंड हिज स्टेटमेंट अबाउट ओरिएंटल एजुकेशन वॉज दैट ए सिंगल सेल्फ ये बड़ा ही दुखद घटना हुई है भाई आपके परिवार के साथ। हम भगवान से दुआ करेंगे कि उनकी आत्मा को शांति दे और आपके परिवार को शक्ति दे इस दुख से उभरने की।
एक परिवार से सदस्य जाना एक बड़ा ही दुखदायक घटना होती है, सबसे बड़ी विपत्ति। अगर मैं मानता हूं तो परिवार के ऊपर सबसे बड़ी विपत्ति यही होती है। धन की विपत्ति या धन का हार्स होना एक बार सुलट लिया जाता है, एक बार उसका समाधान कर लिया जाता है अगर परिवार के अंदर कोई सदस्य होता है। बट अगर परिवार की अगर कोई कमी हो जाती है तो उसकी भरपाई हर कोई नहीं कर सकता, खासकर अपने बुजुर्गों की। जब बुजुर्ग नहीं होते परिवार के अंदर तो सबसे बड़ी परेशानियां उन्हीं के ना होने की वजह से होती है। कोई बात नहीं बहन, आप आराम से जाइए। अगर कोई चीज समझ में ना आए तो मुझे बता देना। अगर रिकॉर्डिंग क्लास के अंदर भी कोई प्रॉब्लम आए तब भी मुझे बताना, मैं इसको क्लियर कर दूंगा। अदरवाइज या फिर आपके कोई डाउट सेशन में इसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, आप जाइए। लाइब्रेरी इज इक्वल टू द एंटायर लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरबिया। हालांकि इस विवाद के बावजूद प्राच्यवादी शिक्षा के समर्थकों की बात भारत उपनिषद ने स्वीकार की तथा अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 एजुकेशन एक्ट 1835 पारित किया गया, इसके बाद भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम हेतु औपचारिक तौर पर स्वीकार कर लिया गया। हाउएवर डिस्प्यूट दिस कंट्रोवर्सी, द काउंसिल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द व्यूज ऑफ द सपोर्टर्स ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन एंड पास्ड द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835। आफ्टर दिस इंग्लिश वॉज फॉर्मली एक्सेप्ट एज द मीडियम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। देखो भाई, आज पता लग गया कि 1835 का एक्ट आया था तो उसने कहा था कि मीडियम इंग्लिश भी होना चाहिए। ठीक है, तो आज इसीलिए हम इंग्लिश पढ़ते हैं स्कूलों के अंदर। मकैले का स्मरण पत्र। मकैले, लॉर्ड मकैले वर्ष 1834 में भारत आए तथा उसे गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद की विधि सदस्य के तौर पर नियुक्त किया गया था। उसकी नियुक्ति सार्वजनिक शिक्षा समिति के अध्यक्ष के पद पर की गई, जिसका कार्य प्राच्यवादी था प्रत्यक्षवादी पाश्चात्यवादी विवाद पर मध्यस्थता कराना था। वर्ष 1835 में लॉर्ड मकैले ने अपना प्रसिद्ध स्मरण पत्र मिन्यूट गवर्नर जनरल की परिषद में समक्ष प्रस्तुत किया, जिसमें लॉर्ड विलियम बेंटिक ने स्वीकार करते हुए अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 पारित किया था। मकैलेस मिन्यूट, लॉर्ड मकैले कम टू इंडिया इन दी ईयर 1834 एंड वाज अपॉइंटेड एज दी ला मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ दी गवर्नर जनरल। ही वाज अपॉइंटेड टू दी पोस्ट ऑफ चेयरमैन ऑफ दी पब्लिक एजुकेशन कमेटी हुज जॉब वाज टू मेड ऑन दी ओरिएंटलिस्ट एंड वेस्टर्नलिस्ट डिस्प्यूट्स। इन दी ईयर 1835 द लॉर्ड मकैले प्रेजेंटेड हिज फेमस मिन्यूट बिफोर द गवर्नर जनरल हिज काउंसिल विच लॉर्ड विलियम बेंटिक एक्सेप्ट एंड पास्ड द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट। अब आपसे अगर आपसे पूछे कि किसकी सिफारिश पर यह पास किया गया था, किसके समर्थन पर, किसकी रिपोर्ट पर, तो लॉर्ड मकैले ने जो रिपोर्ट बनाकर दी थी उसके हिसाब से इसको पास कर दिया गया था। मकैले का जो स्मरण पत्र था उसके मुख्य प्रावधान क्या थे? इसके तहत पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन करते हुए प्रावधान किया गया कि सरकार की समिति संसाधनों का प्रयोग पश्चिम विज्ञान और साहित्य के अंग्रेजी में अध्यापन हेतु किया जाए। सरकार स्कूलों तथा कॉलेज स्तर पर शिक्षा के माध्यम अंग्रेजी करे तथा इसके विकास के लिए कई प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना करे, पर कुछ स्कूल तथा कॉलेज खोले जाएं। द मेन प्रोविजंस ऑफ द मकैलेज मेमोरेंडम वर एज फॉलोज। अंडर दिस वाइल सपोर्टिंग वेस्टर्न एजुकेशन एज प्रोविजंस मेड दैट द लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ द गवर्नमेंट शुड बी यूज्ड फॉर टीचिंग वेस्टर्न एज साइंस एंड लिटरेचर इन इंग्लिश। The government should make English the medium of education and school and college level, and for its development, some school and college should be opened in place of many primary schools. मकैले ने इसके तहत अधोगामी निष्पादन का सिद्धांत दिया था, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, जिसके तहत भारत के उच्च मध्य वर्ग के छोटे से हिस्से को शिक्षित करना था ताकि एक ऐसे वर्ग तैयार हो जाए जो रंग और खून से भारतीय हो,
लेकिन विचार, नैतिकता तथा बुद्धिमत्ता से ब्रिटिश हो। देखो ये कहना कहता रहे कि मैकेले ने जो सिद्धांत दिया इसे अधोगामी निष्पादन का सिद्धांत कहा जाता है। इसमें क्या है कि भारत के उच्च और मध्य वर्ग के उच्च तथा मध्य वर्ग के छोटे से हिस्से को शिक्षित करना था, ताकि एक ऐसा वर्ग तैयार हो जिसका खून तो भारतीय हो, रंग भारतीय हो, लेकिन विचार कैसे हो, विचार ब्रिटिश हो, बुद्धिमत्ता कैसी हो, ब्रिटिश हो। यह वर्ग सरकार था आम जनता के मध्य एक कड़ी का कार्य कर सके और इनके माध्यम से उनमें भी पाश्चात्य शिक्षा के प्रति रुचि उत्पन्न हो। अंडर दी न्यूली गेव दी मैकेले गेव दी डाउन डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी अंडर विच ए स्मॉल पार्ट ऑफ द अपर एंड मिडिल क्लास ऑफ इंडिया वॉज टू बी एजुकेटेड सो दैट ए क्लास वुड बी क्रिएटेड विच वुड बी इंडियन इन ए कलर एंड ब्लड बट इन आइडियाज मोरलिटी एंड बी ब्रिटिश इन इंटेलिजेंस। दिस क्लास कैन एक्ट एज ए लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द जनरल पब्लिक एंड थ्रू देम दे कैन ऑल्सो डेवलप इंटरेस्ट इन वेस्टर्न एजुकेशन। जे थॉम्सन के प्रयास, कौन है जे थॉम्सन के प्रयास, ब्रिटिश भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर जेम्स, ये कौन है, ब्रिटिश भारत के जो पश्चिमोत्तर प्रांत हैं उनके लेफ्टिनेंट गवर्नर जेम्स के थॉम्सन ने स्थानीय भाषा में ग्रामीण शिक्षा के विकास हेतु एक व्यापक योजना लागू की थी। इसके तहत मुख्य रूप से प्रायोगिक विषय जैसे क्षेत्र मिति, कृषि विज्ञान आदि पढ़ाया जाता था। जेम्स थॉम्सन के प्रयासों का मुख्य उद्देश्य है नए स्थापित हुए राजस्व तथा लोक निर्माण विभाग हेतु कर्मचारी की आवश्यकताओं को पूरा करना था। एफर्ट ऑफ जेम्स थॉम्सन, जेम्स थॉम्सन लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दी नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस ब्रिटिश इंडिया इंप्लीमेंटेड द ए कम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एजुकेशन इन द लोकल लैंग्वेज। अंडर दिस मेनली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लाइक मेन्सुरेशन, एग्रीकल्चर साइंस एटसेट्रा वर टॉट। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ जेम्स थॉम्सन एफर्ट वॉज टू मीट द नीड ऑफ एम्प्लॉइज फॉर द न्यूली एस्टेब्लिश्ड रिवेन्यू एंड पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। वुड डिस्पैच, वुड्स डिस्पैच की अगर मैं बात करूं, चार्ल्स वुड ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे। भारत में शिक्षा व्यवस्था में सुधार हेतु उन्होंने एक विस्तृत जानकारी तैयार की थी। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था। इसके तहत प्रावधान किया गया कि जन सामान्य तक शिक्षा के प्रसार की जिम्मेदारी भारत सरकार की होगी। इसके माध्यम से अधोगामी निष्पादन के सिद्धांत का विरोध किया गया था। बिल्कुल 1854 में आया था भाई वुड डिस्पैच, बिल्कुल वेरी गुड। चार्ल्स वुड वॉज द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ही प्रिपेयर्ड डिटेल्स प्लान टू इम्प्रूव द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया विच वॉज इम्प्लीमेंटेड बाई द गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौज। अंडर द प्रोविंस वॉज मेड दैट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्प्रेडिंग एजुकेशन ऑफ द जनरल पब्लिक ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू द प्रिंसिपल ऑफ द डाउनवर्ड फेडरेशन वॉज अपोजिट। इसलिए देश में विद्यमान शिक्षा पद्धति को सुव्यवस्थित करते हुए प्राथमिक शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषा को, माध्यमिक शिक्षा का भाषा का हेतु एंग्लो वर्नाकुलर यानी अर्ध अंग्रेजी भाषा तथा उच्च शिक्षा हेतु अंग्रेजी भाषा को माध्यम बनाया। इसने पहली बार महिला शिक्षा हेतु प्रयास किया। पूछा जाएगा भाई पहली बार महिला शिक्षा के लिए किसने प्रयास किया था, तो वो क्या था, वुड का डिस्पेच। वुड डिस्पेच का जो आया था शिक्षा के लिए प्रसार के लिए, उसने पहली बार महिलाओं के लिए भी शिक्षा का प्रावधान की बात कही थी। इसके द्वारा व्यावसायिक शिक्षा तथा शिक्षकों को प्रशिक्षण हेतु प्रावधान किया गया कि व्यावसायिक शिक्षा तो हम देंगे और शिक्षकों जो शिक्षक होंगे उनको भी प्रशिक्षण देंगे कि अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको कैसे ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे जेबी हरियाणा के अंदर जेबीटी होती है, जेबीटी के बाद बीएड होती है, बीएड होती है हमारी, एमपीएड होती है, वो चीजें क्या करती है, वो हमें प्रशिक्षण देती है। इसके द्वारा यह निर्धारित किया गया कि सरकारी संस्थानों में दी जाने वाली शिक्षा धर्म निरपेक्ष होगी।
इट इज स्ट्रीमलाइंड द एक्सिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम इन द कंट्री एंड मेड रीजनल लैंग्वेज द मीडियम ऑफ द प्राइमरी एजुकेशन एंग्लो वर्नाकुलर, यानी सेम इंग्लिश होगी, लैंग्वेज ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एंड इंग्लिश फॉर हायर एजुकेशन। इट वो मेड एफर्ट फॉर वुमेन एजुकेशन फॉर द फर्स्ट टाइम थ्रू दिस प्रोविंसेस वर मेड फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स। बाई दिस इट वॉज डिटरमाइंड दैट द एजुकेशन गिवन दी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन शुड बी सेकुलर। इसके तहत निजी विद्यालयों को प्रोत्साहन देने हेतु अनुदान का प्रावधान किया जाएगा। इसके तहत भारत के सभी राज्यों में शिक्षा विभाग की स्थापना के निर्देशन दिए गए थे। इस अधिनियम के परिणाम स्वरूप देश के तीन प्रेसिडेंसियों में बंगाल, मद्रास और बम्बई में एक एक विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। अंडर दिस प्रोविजंस ऑफ ग्रांट वॉज ऑल्सो मेड इनकरेज प्राइवेट स्कूल्स। अंडर द इंस्ट्रक्शंस वर गिवन द एस्टेब्लिश एजुकेशन डिपार्टमेंट इन ऑल स्टेट ऑफ इंडिया। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस एक्ट द यूनिवर्सिटीज each was established in the three presidency of the India country, Bengal, Madras and Bombay. आ जाता है आपका हंटर आयोग, हंटर शिक्षा आयोग। ठीक है, एक हंटर समिति थी जो 1819 सॉरी 1919 के अंदर जो घटना घटी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसकी जांच के लिए आई थी, वो हंटर समिति थी, ये हंटर आयोग है। ठीक है, तो एक बार कमेंट करके मुझे बताइए आपको चीजें समझ में आ रही है। चलो समझ में आ रही है तो अच्छी बात है। देखिए फिर से हंटर आयोग, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में विलियम विल्सन हंटर की अध्यक्षता में 1882 में इसका गठन किया गया था। इसमें 20 सदस्य थे, 8 सदस्य भारतीय थे। इस आयोग का कार्य केवल प्राथमिक शिक्षा के विकास की समीक्षा करना था, वह सुझाव देना था, लेकिन आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के लिए भी सुझाव प्रस्तुत किए थे। हंटर एजुकेशन कमीशन ड्यूरिंग द टेन्यूर ऑफ लॉर्ड रिपन इट वॉज फॉर्म्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ विलियम्स विल्सन हंटर एंड 1882 इट हैड 20 मेंबर्स, 8 मेंबर्स वर इंडियंस। द वर्क ऑफ दिस कमीशन वॉज ओनली टू रिव्यू एंड गिव सजेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, बट द कमीशन हैड प्रेजेंटेड सजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सुझाव क्या था इसके? इसके सुझाव था कि प्राथमिक शिक्षा स्थानीय या मातृभाषा में दी जाए। इसकी अनुशंसा थी कि माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत दो शाखाएं हो, एक तो साहित्यक, जिसके बाद विद्यार्थी विश्वविद्यालयों की शिक्षा की तरफ जाए, एक व्यवसायिक वोकेशनल कोर्सेज, जिसके बाद विद्यार्थी रोजगार प्राप्त करें। ये दो शाखाएं इन्होंने डिसाइड की थी। सजेशंस, प्राइमरी एजुकेशन शुड बी गिवन द लोकल और मदर लैंग्वेज। इट रिकमेंडेड दैट सेकेंडरी एजुकेशन शुड गिव टू ब्रांचेस लिटरेरी, आफ्टर विच स्टूडेंट गो टूवर्ड्स यूनिवर्सिटीज एजुकेशन एंड वोकेशनल कोर्सेज, आफ्टर विच स्टूडेंट गेट्स एम्प्लॉयमेंट। इसके माध्यम से तत्कालीन समय में महिला शिक्षा के विद्यमान अवसंरचनात्मक कमियों का उजागर किया गया, जिसकी भरपाई हेतु व्यापक प्रयास किए गए और सुझाव दिए गए। हंटर आयोग की सिफारिश को लागू होने के बाद अगले 2 दशक तक देश में शिक्षा का उल्लेखनीय विकास हुआ। पंजाब विश्वविद्यालय 1882 में और इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 में स्थापना की गई थी। थ्रू दिस द एजुकेटिंग द इंफ्रास्ट्रक्चरल डिफरेंसेस इन वुमेन एजुकेशन एट दैट टाइम ओवर हाइलाइटेड एंड सजेशंस फॉर कॉम्प्रिहेंसिव एफर्ट टू कंपोनेंट्स फॉर देम वर प्रेजेंट आफ्टर द 1882
इम्प्लीमेशन ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ द हंटर कमीशन देयर वॉज सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन द कंट्री फॉर द नेक्स्ट टू दशक एंड पंजाब यूनिवर्सिटी 1882 एंड इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 1877 वर एस्टेब्लिश्ड। रेले कमीशन क्या है? रेले कमीशन वर्ष 1902 में सरकार ने रेले आयोग का गठन किया जिसका कार्य भारत के विश्वविद्यालयों की दशा का अध्ययन करना था, उनकी स्थिति में सुधार हेतु इसको सुझाव देना था। विश्वविद्यालयों में शिक्षा तथा शोध पर अधिक बल दिया जाए और विश्वविद्यालयों में शोधार्थियों की संख्या तथा उनके कार्यकाल को कम किया जाए। कि एक तो जो जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनके ऊपर शोध के ऊपर बल दिया जाए कि शोध उनके अंदर ज्यादा से ज्यादा शिक्षा और शोध के ऊपर बल दिया जाए। और दूसरा जो शोधार्थी हैं यानी जो विद्यार्थी वहां पर आए थे शोध करने के लिए जो आए हैं उनकी संख्या को कम किया जाए और कार्यकाल का कम किया जाए, यानी टेम्योर जो है शोध का वो कम कर दिया जाए। रेले कमीशन इन द ईयर 1902 द गवर्नमेंट कंस्टिट्यूट द रिलीज रेले कमीशन हुज जॉब वाज टू स्टडी द कंडीशन ऑफ द यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया एंड गिव सजेशंस टू इम्प्रूव देयर कंडीशन। मोर एम्फेसिस शुड बी गिवन टू एजुकेशन एंड रिसर्च इन यूनिवर्सिटीज। द नंबर ऑफ द रिसर्चर्स एंड देयर टेन्योर इन यूनिवर्सिटीज वर रिड्यूस्ड। इसलिए विश्वविद्यालयों को नियंत्रण में लाने के विचार से लॉर्ड कर्जन ने सर थॉमस रेले के अधीन रेले आयोग नियुक्त किया। रेले आयोग में केवल एक भारतीय सदस्य था, सैयद हुसैन बेलग्रामी। कौन भाई? सैयद हुसैन बेलग्रामी। इस आयोग ने 1902 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इसके बाद रेले बिल नामक एक विधेयक पास किया गया था, पेश किया गया। भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए सिफारिशें करने के लिए लॉर्ड कर्जन द्वारा 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की गई थी। थॉमस रेले, सैयद हुसैन बेलग्रामी और गुरुदास बनर्जी इसके सदस्य थे। भारतीय शिक्षा विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की गई थी और इसके सदस्य जो थे थॉमस रेले, सैयद हुसैन बेलग्रामी और गुरुदास बनर्जी बने थे। देयरफॉर विद द व्यूज ऑफ बर्निंग ब्रिंगिंग द यूनिवर्सिटीज अंडर कंट्रोल लॉर्ड कर्जन अपॉइंटेड द रेलेज कमीशन अंडर सर थॉमस रेलेज। द रेलेज कमीशन हैड ओनली वन इंडियन मेंबर सैयद हुसैन बेलग्रामी। दिस कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1902 एंड आफ्टर दिस बिल कॉल्ड रिलीज बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड। द इंडियन यूनिवर्सिटीज कमीशन वॉज अपॉइंटेड इन 1902 बाई लॉर्ड कर्जन टू मेक रिकमेंडेशन फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज एजुकेशन इन इंडिया। थॉम्स रिले, सैयद हुसैन बेलग्रामी एंड गुरुदास बनर्जी वर इट्स मेंबर्स। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। विश्वविद्यालयों में शिक्षा तथा शोध पर अधिक बल दिया जाए, योग्यतम प्राध्यापकों व व्याख्याताओं की नियुक्ति की जाए। कहना क्या चाहता है कि शिक्षक जो वहां पर है, शिक्षा जो है, शोध जो चल रही है उसके ऊपर बल दिया जाए अधिक से अधिक, उसको और ज्यादा बेहतरीन करने के लिए। योग्यतम प्राध्यापकों व व्याख्याताओं की नियुक्ति यानी जो योग्यता रखते हैं उन्हीं को प्राध्यापक यानी उन्हीं को प्रोफेसर, उन्हीं को रिसर्चर वहां पर लगाया जाए। पुस्तकालयों और प्रयोगशालाओं की स्थापना की जाए। विश्वविद्यालयों में शोधार्थियों की संख्या तथा उनके कार्यकाल को कम किया जाए। अधिकांश शोधार्थियों को सरकार द्वारा नामित किया जाना लगा। सरकार के विश्वविद्यालयों को सीनेट के विनियम को वीटो करने का अधिकार प्राप्त हो गया। सरकार द्वारा उनके द्वारा बनाए गए नियमों को बदल सकती थी, स्वयं द्वारा निर्मित नियम लागू कर सकती थी। सीनेट के सदस्यों की संख्या कम से कम 50 और अधिक से अधिक 100 होती निश्चित की गई थी। इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904। मोर एम्फेसिस शुड बी गिवन टू एजुकेशन एंड रिसर्च इन यूनिवर्सिटीज। अपॉइंटेड फॉर मोस्ट क्वालिफाइड प्रोफेसर एंड एक्सपर्ट। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द लाइब्रेरी एंड लेबोरेटरीज। लाइब्रेरीज एंड लेबोरेटरीज का एस्टेब्लिश किया जाए, प्रोफेसर्स को रखा जाए, अच्छे प्रोफेसर जो एक्सपर्ट क्वालिफाइड प्रोफेसर उनको रखा जाए।
और अच्छे से रूप से लाइब्रेरी और लेबोरेटरीज का विकास किया जाए। द नंबर ऑफ रिसर्चर्स एंड देयर टेन्योर इन यूनिवर्सिटीज वर रिड्यूस। मोस्ट ऑफ द रिसर्चर्स स्टार्टेड बिगनिंग नॉमिनेटेड बाई द गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट गेंड द राइट ऑफ टू वीटो द रेगुलेशंस ऑफ द सीनेट ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड द गवर्नमेंट कुड चेंज द रूल मेड बाई देम और इम्पोज रूल्स मेड बाई इट्सेल्फ। द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ सीनेट। सीनेट के अंदर मेंबर जो थे वो मिनिमम 50 हो सकते थे और मैक्सिमम 100 हो सकते थे। विश्वविद्यालयों से निजी कॉलेज को संबंधित करने की प्रक्रिया को कठिन कर दिया गया। विश्वविद्यालयों से निजी कॉलेजों को संबंधित करने का प्रक्रिया कर दी गई कठिन कर दी गई। उन शिक्षा तथा विश्वविद्यालयों के विकास हेतु प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए के हिसाब से 5 वर्षों तक अनुदान करने का प्रावधान किया गया था। द प्रोसेसर ऑफ एफिलिएटिंग प्राइवेट कॉलेज विद यूनिवर्सिटीज वाज मेड डिफिकल्ट। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हायर एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटीज ए प्रोविजन वाज मेड टू गिव ए ग्रांट ऑफ 5 रुपीज लाख पर ईयर फॉर 5 ईयर्स। तो कमेंट करके मुझे बताइए आपको ये चीजें समझ में आ गई। किसी को कोई डाउट? गुड, अच्छे से समझ में आ गया ना? आंग्ल प्राच्य विवाद अगर आपसे पूछे कब हुआ था तो 1813 में हुआ था। कब हुआ था? 1813 में हुआ था। उसके बाद मैकाले संस्मरण पत्र 1834 में, जेम्स थॉमस के प्रयास, ठीक है, और उसके बाद चार्ल्स वुड का डिस्पेच 1854 में, 19 जुलाई 1800। अंतर शिक्षा समिति 1882-83, 82-83 में की गई थी। रेलवे कमीशन 1902। रेलवे कमीशन कब किया गया था? 1902 में किया गया था। अब हमारा कुछ ही चीजें बची हैं, नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी उसमें हम जो को रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। कितना कुछ ही चीजें बची हैं हमारी, जो द्वैत शासन के अंतर्गत शिक्षा शिक्षा नीति क्या थी, सेंट्रल आयोग क्या था, 1913 के सरकारी प्रस्ताव क्या थे, हंटर समिति,
हार्टोग, हार्टोग स्मिति क्या थी, इनके बारे में चर्चा कर लो। तो एक बार मुझे कमेंट करके बताइए आपको रिवीजन की जो इसका क्लास को रिवाइज कराना है या फिर। बिल्कुल कमेंट कीजिए, रिवीजन करें या फिर रहने दें। समय है आपके पास, अगर आप चाहते हैं तो इसका रिवीजन कर सकते हैं। चलो रिवाइज कर लेते हैं इसका, छोटी छोटी चीजें जो हैं हम उनको पढ़ लेते हैं एक बार दोबारा से। अंगल प्राच्य विवाद क्या था कि 1 लाख रुपए 1813 के अंदर डिसाइड कर दिए कि 1813 जो चार्ट था 1 लाख रुपए खर्च करेंगे, लेकिन विवाद क्या हो गया, ना तो शिक्षा का स्वरूप था ना शिक्षा का कोई माध्यम था, तो इसलिए क्या हो गया, दो मतभेद हो गए, दो पक्ष हो गए। एक कहता है कि हमें तो जो शिक्षा है वो स्थानीय भाषा के अंदर दो, जो पारंपरिक रूप से चल रही है उसमें दो। दूसरा भाग क्या कहता है कि हमें शिक्षा उसमें तो वेस्टर्न जो वेस्टर्न पॉलिसी को जो फॉलो कर रहा है वो कह रहा है कि हमें शिक्षा मौलिक जो शिक्षा जो है उपनिवेशिक आधार पर अच्छी जो वैज्ञानिक शिक्षा दी जाए और इंग्लिश भाषा के अंदर शिक्षा दी जाए। इस चीज को लेकर क्या हो गया था, विवाद हो गया था, डिसएग्रीमेंट हो गया था। जो पारंपरिक शिक्षा के विरोध समर्थक थे उनमें विलियम जोन्स थे, जेम्स प्रिंसिपस, चार्ल्स विल्कम्स, एस एस विल्सन आदि शामिल थे, लेकिन जो पाश्चात्य शिक्षावादी थे वो कौन कौन थे, टी बी मकैले, जेम्स मिल, चार्ल्स ग्रांट, विलियम विलफोर्स आदि। जेम्स मिल प्रतियोगितावादी उपयोगितावादी विचारधारक था और उसका मानना था कि जो शिक्षा का वो अंग्रेजी भाषा में देनी चाहिए और माध्यम से उन्हें उपयोगी व व्यवहारिक ज्ञान देना चाहिए। पश्चिमी विज्ञान तकनीक है व्यावसायिक शिक्षा इसमें शामिल की जाए, वोकेशनल कोर्सेज इसमें डाले जाए। टीबी मकैले ने प्राच्य शिक्षा को घोर विरोध दिया और प्राच्य शिक्षा के बारे में उसका कथन था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक सेल्फ, एक सेल्फ सेल्फ ही भारत और अरब के समूचे साहित्य के बराबर है। 1835 का अंग्रेजी अधिनियम, अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम आया, इसके तहत अंग्रेजी शिक्षा को क्या बना दिया गया, माध्यम बना दिया गया था, मीडियम बना दिया था अंग्रेजी को। मकैले स्मरण पत्र 1834 में भारत भेजा था, गवर्नर जो जनरल की कार्यकारी परिषद का सदस्य बना, विधि सदस्य था और शिक्षा के ऊपर इसको अध्यक्ष बनाया गया था, जिसका काम था शिक्षा के मध्यस्थ जो विवाद हो चुके थे इनके इनकी मध्यस्थता कराना। पहले के अंदर ही क्या था, स्कूल स्तर पर क्या थी, अंग्रेजी शिक्षा बना दी गई थी। 1835 का जो अधिनियम आया था उसके दौरान ही अंग्रेजी शिक्षा बना दी गई थी मकैले के द्वारा। थॉमस थॉमसन के प्रयास थे, ब्रिटिश प्रांत के अंदर भारतीय प्रांत लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल थॉमसन ने स्थानीय भाषा के ग्रामीण शिक्षा, ग्रामीण शिक्षा के विकास हेतु एक व्यापक योजना की। इसके तहत मुख्य रूप से प्रायोगिक विषय जैसे क्षेत्र मिति, मेंसुरेशन और कृषि विज्ञान आदि पढ़ाया जाना चाहिए। वुड का डिस्पैच 19 जुलाई 1854 को आया था, चार्ल्स वुड इंडिया के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे। भारत में शिक्षा व्यवस्था में सुधार हेतु उन्होंने एक विस्तृत योजना प्रस्तुत की थी, तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू किया गया था। इसके तहत प्रावधान किया गया कि जन सामान्य तथा शिक्षा के प्रसार की जिम्मेदारी भारत सरकार की होगी। इसके माध्यम से अर्धगामी निष्पादन का जो सिद्धांत था उसकी निंदा की गई थी। पहली बार जो वुड का डिस्पैच था उसने महिला शिक्षा हेतु प्रयास किया था। धर्मनिरपेक्ष शिक्षा नहीं दी जाएगी सरकारी स्कूलों में या सरकारी संस्थाओं में, कहां पर कहा गया था, ये वुड का डिस्पैच में कहा गया था। महिलाओं की एजुकेशन के लिए किसमें चर्चा की गई थी, वुड का डिस्पेच में चर्चा की गई थी। व्यावसायिक शिक्षा तथा शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु किसमें चर्चा की गई थी, वुड का डिस्पेच में की गई थी। इसके तहत निजी विद्यालयों को प्रोत्साहन देने हेतु अनुदान का प्रावधान किया गया था।
इसके तहत भारत के सभी राज्यों में शिक्षा विभाग की स्थापना का निर्देश दिया गया था। इस अधिनियम के परिणाम स्वरूप देश के तीनों प्रेसिडेंसी में बंगाल, मद्रास तथा बॉम्बे के एक एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाए। अंतर शिक्षा आयोग लॉर्ड रिपन के द्वारा, जब ये लॉर्ड रिपन कार्यकाल में विलियम विल्सन हंटर के द्वारा यह लाया गया था, WW हंटर की अध्यक्षता में आया था, 1882 में आया था। इसका गठन जब किया गया था इसमें 20 सदस्य थे, 8 सदस्य भारतीय थे। इस आयोग का कार्य केवल प्राथमिक शिक्षा के विकास हेतु समीक्षा करना था, लेकिन इसने माध्यमिक शिक्षा का क्या के लिए भी सुझाव प्रस्तुत किया था। अंटर एजुकेशन समिति, ठीक है, एक अंटर आयोग, अंटर समिति भी बनाई गई जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके रिगार्डिंग बनाई गई थी, उसकी समीक्षा के लिए, उसकी जांच के लिए बनाई गई थी। रेले कमीशन 1902 में आया और उसने सुझाव दिया कि शोध पर अधिक बल दिया जाए, विश्वविद्यालय में शोधार्थियों को जो संख्या उसको कम कर दिया जाए, और भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए सिफारिश की करने के लिए लॉर्ड कर्जन 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की, जिसमें थॉमस रेले, सैयद हुसैन बिलग्रामी और गुरुदास बनर्जी इसमें सदस्य बने थे। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, विश्वविद्यालय में अधिक से अधिक बल दिया गया कि शोध पर और शिक्षा पर अच्छे वहाँ पर एक्सपर्ट प्रोफेसर रखे जाए, और पुस्तकालय जो लेबोरेटरी हैं और लाइब्रेरीज हैं उनको स्टेब्लिश किया जाए, विश्वविद्यालयों में शोधार्थियों की संख्या कम की जाए और उनका टेन्यूर जो है, उनका समय है, उसको भी कम कर दिया जाए। सीनेट के अंदर कम से कम 50 सदस्य और अधिक से अधिक 100 सदस्य रखे जाए। विश्वविद्यालयों को निजी कॉलेजों से संबंधित करने की प्रक्रिया को कठिन कर दिया गया, और उच्च शिक्षा तथा विश्वविद्यालयों के हेतु प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए अनुदान के हिसाब से खर्च करने का अनुदान प्रावधान किया गया। क्लियर है? ठीक है, तो एक बार कमेंट कर दीजिए क्लास आपको कैसी लगी, और जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, हो जाएगा, लगभग दो दो दिन और लगेंगे, आज का और कल कल का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कोई प्रॉब्लम आए कोर्स के अंदर, आपका कोर्स कैसा रहा, अगर आप कोर्स का जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और इसके लिए जो कोर्स का एक्सपीरियंस है अगर वो शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे चैट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं, या फिर जो आपके पास टेक्निकल टीम का जो भी नंबर है आप उसके ऊपर भी कोर्स के जो एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहते हैं तो एक बार उसको एक्सपीरियंस का शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल, उसके बाद आपके रिवीजन स्टार्ट हो जाएंगे। एंशिएंट में स्थान कैसे याद रखें? देखो, उसके लिए तो आपको रिवीजन करना होगा, ठीक है, बार बार रिवीजन करना होगा उसके लिए तो। अदरवाइज मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए एक ट्रिक बना दूं, उनके लिए थोड़ी सी ट्रिक के हिसाब से उनको क्वेश्चन को उसको कराने की मैं कोशिश करूंगा। अभी जो रिवीजन हमारी होगी, थैंक यू सुमित्रा, सो अमेजिंग क्लासेस सर, मैं कोशिश करूंगा कि जब हम रिवीजन करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा आपके साथ उनको डिस्कस करने के। ठीक है, प्रैक्टिस आपको करनी होगी, प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा उसमें, तभी आपको याद रह पाएंगे।
वो कहा गया है कि प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, कि आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी परफेक्ट हो जाओगे। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करो और रिवीजन अपना स्टार्ट कर देना। लगभग कल 25 तारीख हो गई आज, और 26 27 27 तारीख को कंप्लीट हो जाएगा आपका सिलेबस। 27, हाँ 27 को कंप्लीट हो जाएगा। गांधी मास मूवमेंट और गांधी इवनिंग के अंदर गांधी मास मूवमेंट हो जाएगा, और उसके बाद गवर्नर जनरल बचते हैं थोड़े से इम्पोर्टेंट फैक्ट के अंदर, गवर्नर जनरल और कुछ चीज़ें जो बचती हैं जैसे नाट्य शास्त्र हो गया, उनका हम चर्चा कर लेंगे। तो चलते हैं भाई, आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ, कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।